पर्यावरण अध्ययन पेडागोजी का पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा, इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पेडागोजी से, जिन्हें हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। सीटीटी और स्टेट टीटी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो शुरू करते हैं दोस्तों। आप भी साथ साथ में मेरे साथ आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। अगर पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक है उसमें रेलवे की टिकट का एक नमूना दिखाया गया है और रेलवे की टिकट के बारे में बच्चों को बताया गया है, तो उस नमूने को दिखाने का क्या मतलब है, उस पिक्चर को दिखाने का क्या मतलब है? इसमें चार ऑप्शन हैं, आपने देख लिए, तो इसमें तीसरा नंबर ऑप्शन है वो सही है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देना। अगर किसी बच्चे ने रेलवे की टिकट पहले कभी देखी ही नहीं होगी, उसके बारे में सिर्फ उसको बताया जाएगा, तो वह कभी भी याद नहीं रख पाएगा। लेकिन अगर उस रेलवे की टिकट का एक नमूना, एक सैंपल उसमें दिखाया गया है, तो बच्चे को हमेशा याद रहेगा और बच्चा टिकट को पहचानने लगेगा। तो बच्चे को जो वास्तविक जानकारी है, जो रियल जानकारी है, उससे उसकी जो नॉलेज है उसको रिलेटेड करना, यानी कि उससे उसको लिंक देना, जिससे वह हमेशा याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर एक का ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दो देखिए, अभी पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अवधारणाएं बहुतायत में किन पुस्तकों में पाई जाती हैं? जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान, भौतिकी एवं भूगोल, अर्थशास्त्र एवं सामाजिक शास्त्र, या फिर ये सभी? पर्यावरण से संबंधित जो अवधारणाएं हैं वो कौन सी सब्जेक्ट की जो बुक हैं उनमें अक्सर पाई जाती हैं या बहुतायत में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं? तो ये तीनों के तीनों ही जो सब्जेक्ट हैं, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, भौतिकी एवं भूगोल, अर्थशास्त्र एवं सामाजिक शास्त्र, इन सभी में पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अवधारणाएं बहुतायत में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर दो का ऑप्शन नंबर चार सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन को क्या नाम दिया गया है? निम्न कक्षाओं मीन्स जो प्रारंभिक लेवल की जो कक्षाएं हैं, प्राथमिक स्तर की कक्षाएं हैं जो, उनमें सामाजिक अध्ययन को क्या नाम दिया गया है? सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं? तो प्राइमरी लेवल तक जो सामाजिक अध्ययन है उसे हम किस नाम से जानते हैं? जैसे कि अगर आप सीटीईटी की बात कर लें या फिर स्टेट टी की बात कर लें, तो इन दोनों ही टीईटी में जो पहला पेपर होता है उसमें सामाजिक अध्ययन नहीं होता है, उसमें क्या होता है? पर्यावरण अध्ययन। और जो पेपर नंबर टू होता है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए, जो क्लास 6 to 8 के लिए, तो उसमें होता है सामाजिक अध्ययन। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर तीन सही होगा, पर्यावरण अध्ययन, कि निम्न कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन को पर्यावरण अध्ययन के नाम से जाना जाता है। तीन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर चार अभी देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को छात्रों में निम्न में से किसके विकास पर जोर देना चाहिए? मूल्यों का विकास, चरित्र का विकास, सामाजिकता का विकास, या ये सभी? ऐसे टीचर जो कि पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाते हैं, उन टीचर्स को जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनको कौन सी बात पर ज्यादा जोर देना चाहिए? बच्चों के मूल्यों का विकास, बच्चों के चरित्र का विकास, सामाजिकता का विकास, या फिर ये सभी? ऑप्शन नंबर चार सही है, ये तीनों ही चीजें आवश्यक हैं, तीनों के ही विकास पर जोर देना चाहिए शिक्षकों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पांच, निम्न में से क्या पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है? बच्चों में वैज्ञानिक जानकारी का विस्तार करना, बच्चों को उनके परिवेश का महत्व समझाना, पर्यावरण संरक्षण के महत्व से बच्चों को अवगत कराना, या फिर उपरोक्त सभी? पर्यावरण शिक्षा देने का क्या लक्ष्य है? बच्चों को जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा दी जा रही है उसका लक्ष्य क्या है? तो ये तीनों के तीनों ही ऑप्शन है, ये तीनों लक्ष्य में आते हैं। बच्चों में एक तो वैज्ञानिक जानकारी को बढ़ाना है, बच्चों को उनके परिवेश का महत्व बताना है, और पर्यावरण संरक्षण के महत्व से बच्चों को अवगत कराना है। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर चार क्वेश्चन नंबर पांच का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर छह देखिए, अभी एनसीईआरटी की किस पत्रिका द्वारा पर्यावरण शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया? नेचर, स्कूल साइंस, साइंस फॉर स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। एनसीईआरटी की कौन सी ऐसी मैगजीन थी जिससे पर्यावरण की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया था? ऑप्शन नंबर दो करेक्ट आंसर, स्कूल साइंस जो मैगजीन थी उसके द्वारा एनवायरमेंटल एजुकेशन का प्रचार प्रसार किया गया था। क्वेश्चन नंबर छह का ऑप्शन नंबर दो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सात दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य जोर विद्यार्थियों को अपनी वास्तविकता, वास्तविक दुनिया जिसमें वे रहते हैं, जो ये चार दो दो ऑप्शन हैं, प्राकृतिक और राजनीतिक है, आर्थिक और प्राकृतिक है, प्राकृतिक और सामाजिक है, या फिर सामाजिक और आर्थिक है, से रूबरू कराना है। आपने थ्योरी क्लास पढ़ी होगी तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर आया था, ध्यान देंगे आप। तो किसी बच्चे को पर्यावरण की शिक्षा देने का मुख्य मतलब क्या होता है?
विद्यार्थियों को उनकी वास्तविक दुनिया जिसमें वो रहते हैं उस दुनिया से, उस दुनिया की कौन से पक्ष से रूबरू कराना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3, प्राकृतिक और सामाजिक जो पक्ष होता है, जो पहलू होता है, उससे रूबरू कराना होता है पर्यावरण शिक्षा के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रमों हेतु निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से सहयोग प्राप्त होता है। पर्यावरण शिक्षा के जो कार्यक्रम है इनके लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जहां से सहयोग मिलता है, वो यूनिसेफ, विश्व बैंक, यूनेस्को या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 8, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा, ये सभी। पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रमों के लिए यूनिसेफ, विश्व बैंक और यूनेस्को, इन तीनों ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है अभी, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने पर निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। बात ध्यान देना, इसको बात हो रही है नहीं है। तो पर्यावरण अध्ययन की जो बुक्स हैं उनमें कविताएं और कहानियों को शामिल किया जाता है, तो ऐसा इन चारों में से कौन सी बात है जो कि उसका उद्देश्य नहीं है शामिल करने का। शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना, विषय में रुचि का विकास करना, नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, और शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इसका रीजन नहीं है, उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है, नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, ये एक जो उद्देश्य नहीं है पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का, बाकी सभी उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। दोस्तों ये क्वेश्चन थे पर्यावरण अध्ययन की पेडागोजी के चैप्टर नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा से। आप लोगों को जरूर अच्छे लगे होंगे। थ्योरी क्लास भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।